गुड मॉर्निंग एफआई बीकॉम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबाइंड मीन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 44 नंबर सम तक करवा लिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कंबाइंड मीन। आपको याद होगा कंबाइंड मीन आपने 11th में भी किया था। कंबाइंड मीन को कहा जाता है एक्स बार सी और उसकी फॉर्मूला होती है n1 x bar 1 + n2 x bar 2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। कंबाइंड मीन एग्जैक्टली होता क्या है, जब दो अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके उनका मीन ढूंढा जाता है उसे कंबाइंड मीन कह सकते हैं। ये दो ग्रुप भी हो सकते हैं, मान लो कभी तीन ग्रुप होते हैं तो n3 x bar 3 और डिवाइडेड में आपका क्या आ जाएगा, n1 + n2 n3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपका फर्स्ट सम। सिंपल दिया हुआ है 45 नंबर सम की हम बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में 44 हमने किया था, 45 में क्या है कंबाइंड मीन। और नंबर दिए हुए ग्रुप वन, अब देखो फॉर्मूला तो मेरे पास लिखी हुई है, मैं खाली नंबर यूज करूंगा x bar c n1। आप चेक कर लो नंबर कितने दिए हैं 40 और उनका मीन क्या दिया हुआ है 35। सेम वे में सेकंड ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है 60 और उनका जो मीन दिया हुआ है वो कितना है 65 डिवाइडेड बाय n1 + n2। तो n1 पहले ग्रुप के मेंबर 40, दूसरे ग्रुप के मेंबर 60। अब हमें करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ऑब्जर्व करना, 40 को मैं 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 40 × 35 = 1400। इसके बाद मेरा 60 को 65 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 60 × 65 = 3900। 60 × 65 = 3900 / 100 और 3900 और 1400 = 5300 / 100। तो आपका सीधे सीधे आंसर जो आ जाएगा 53 आएगा। तो कंबाइंड मीन हमें मिल गया। कंबाइंड मीन क्या होता है, दो अलग अलग ग्रुप का मीन। अब मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम सेम है बट वर्डिंग में दिया हुआ है द मीन मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 42। मीन मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट, दैट मीन्स 50 स्टूडेंट्स है उनका जो मीन मार्क्स है, मीन मार्क्स मतलब पहला ग्रुप है तो मैंने उनको नाम क्या दे दिया 42 दे दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द मीन मार्क्स ऑफ एनदर 30 स्टूडेंट, दूसरे 30 स्टूडेंट्स है तो n2 के जगह मैंने 30 ले लिया। और आगे क्या लिखा है, उनका जो मीन है वो 48 है तो यहां पर मैंने दिखा दिया x bar 2 कितना आ गया 48 आ गया। क्या करना है, कंबाइंड मीन ढूंढ लेना, फॉर्मूला वही लगेगी, आ जाएगा। आ जाओ थर्ड नंबर सम, मतलब 47, उसमें दो के जगह तीन ग्रुप है तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, n1 x bar 1 + n2 x bar 2 + n3 x bar 3। और तीनों ग्रुप के नंबर दिए गए, तीनों ग्रुप के मीन दिए गए, खाली कंबाइन करके फॉर्मूला लगानी है, 47 हो जाएगा। आ जाओ 48 पे, 48 में भी n1 n2 n3 दिया हुआ है, नीचे x bar 1 x bar 2 x bar 3 तीनों दिए हुए, मतलब आप आराम से कर सकते हो। सम नंबर 49 में देखना दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा कौन सा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो विच फैक्ट्री पे लार्जर अमाउंट एज डेली वेजेस। आपसे मीन नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे कर रही है, कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे कर रही है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एवरेज डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द टू फैक्ट्री टेकन टुगेदर, दोनों फैक्ट्री को कंबाइन कर ले तो उनकी एवरेज क्या होगी, दैट मींस वो कंबाइंड मीन पूछा है। दो क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन पूछा है कौन सी फैक्ट्री कितनी ज्यादा वेजेस दे रही है। तो पहले मैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फैक्ट्री ए। अब हम टोटल वेजेस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, मुझे ये बताया कि मेरे पास 250 वर्कर है और ऑन एन एवरेज में एक वर्कर को जो मीन दिखाया गया है 45 रुपीज पे कर रहा हूं। फैक्ट्री बी की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री बी में 200 वर्कर है, फैक्ट्री बी में नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 200 और फैक्ट्री बी का जो एवरेज दिखाया गया है 47.5। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे कर रही है। क्वेश्चन देखो विच फैक्ट्री पे लार्जर अमाउंट एज अ डेली वेजेस, कौन सी कंपनी ज्यादा वेजेस पे कर रही है। तो देखो ए ने कितना पे किया, 250 वर्कर, एक वर्कर को एवरेज 45 दे रहे हैं, मतलब ए की टोटल पेमेंट हो गई 11,250। आ जाएंगे बी पर, बी के पास 200 वर्कर है इनटू 47.5 दैट इज 9,500। सो यू कैन राइट दैट फैक्ट्री ए पेस मोर वेजेस, फैक्ट्री ए पेस मोर वेजेस
आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, कंबाइंड मीन आप आराम से ढूंढ सकते हो। अब मैं आ जाऊंगा आपके क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन 50 में नया क्या है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो, जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा, आपके पास n1 होता था, x^1 होता था, n2 होता था, x^2 होता था, आप कंबाइंड मीन ढूंढते थे। बट कभी कभी ऐसा आएगा कंबाइंड मीन होगा, आपको अंदर का n1 ढूंढना होगा या मे बी x^1 ढूंढना होगा या मे बी n2 ढूंढना होगा, बट क्वेश्चन पढ़ने से ही आइडिया आएगी। देखो क्या लिखा है, 50 items sold in department A, 50 items sold in department A, द कॉर्नर स्टोर हैड अ मीन प्राइस ऑफ 30 सेंट। मतलब कितनी आइटम बिक रही है, 50 आइटम, और उनकी जो मीन प्राइस है वो कितनी है, 30 सेंट है, बट हम उसको 30 लिख रहे हैं। सेंट वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, जैसे अमेरिका में, इंडिया में हम रुपीस और पैसे यूज करते हैं, सेम वे में अमेरिका में डॉलर्स और सेंट होते हैं। 100 cents = $1, राइट? तो यहां पर उससे हमें कोई मतलब नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनना, 50 items sold in department A at a corner store had a mean price 30 cents, 75 items sold in department H, 75 आइटम सेल हो रही है, तो N2 = 75, और उनकी जो मीन प्राइस है वो 20 सेंट है। तो ये x^2 आपको मिल गया जो दिखा रहा है 20। क्या करना है आपको, फाइंड द मीन प्राइस ऑफ कमोडिटी सोल्ड इन डिपार्टमेंट ए एंड एच, मतलब कंबाइन मीन फाइंड आउट करना है, राइट? अब हम आ जाएंगे 51 पर। 51 ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रही है। कैसे पता चलेगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री रनिंग टू शिफ्ट 60 and 40। मतलब एक फैक्ट्री है जहां पर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, ये 100 वर्कर टोटल है जो दो शिफ्ट में काम कर रहे हैं। एक शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट 60 वर्कर काम करते हैं, इवनिंग शिफ्ट में 40 वर्कर काम करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको आइडिया आएगी, लिखा क्या है, द मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर वर्किंग इन टू शिफ्ट 60 and 40 वर्कर रिस्पेक्टिवली ₹38। तो ये जो मीन वेजेस दिखाई गई है 100 वर्कर की दिखाई गई है, जो मीन वेजेस है वो 100 वर्कर की है, 60 की नहीं है, 40 की नहीं है, ये 100 की। और 100 वर्कर का मीन, दैट मींस कंबाइंड मीन आपको दे दिया है, कंबाइंड मीन आपको दे दिया है दो शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में जो वर्कर काम कर रहे हैं N1, दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे हैं N2, और कंबाइंड मीन आपको 38 है। द मीन वेजेस ऑफ 60 वर्कर वर्किंग इन मॉर्निंग शिफ्ट, जो 60 वर्कर मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनका जो मीन बताया गया है वो 40 बताया गया। आपसे पूछा गया फाइंड द मीन वेजेस ऑफ 40 वर्कर वर्किंग इन इवनिंग शिफ्ट, तो जो इवनिंग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनका मीन क्या होगा वो हमें ढूंढना है। तो ऊपर नेचुरली जो दिया गया था 100 वर्कर का मीन 38, उसे मैंने कंबाइंड मीन दे लिया, तो कंबाइंड मीन के जगह मैं रख रहा हूं 38, राइट? N1 N1 आप चेक कर लो, N1 आपका 60 दिया हुआ है, x^1 40 है, N2 चेक करें तो N2 40 है, x^2 हमें फाइंड आउट करना है, और नीचे N1 और N2 तो डायरेक्ट मैंने 100 दिखा दिया, 60 + 40। अब जो 100 डिवीजन में उसे मैं मल्टीप्लाई में ले लेता हूं, तो 38 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3800, 60 को 40 से मल्टीप्लाई किया 2400, और 40 को x^2 से किया तो हो जाएगा 40x^2। क्या करना है, 2400 प्लस के साइन ले लो, माइनस के, देयरफॉर की साइन देना, 3800 - 2400 = 40x^2 = 40x^2। 3800 में से 2400 माइनस करेंगे तो 1400 आएगा, 40 मल्टीप्लाई का डिवीजन में ले लो तो आपको सीधे सीधे x^2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं 1400 को 40 से डिवाइड कर लेता हूँ, 1400 है डिवाइडेड बाय अगर 40 कर रहा हूं तो ₹35 उसका मीन मिल जाएगा। तो आपको जो x^2 पूछा है या जो इवनिंग वर्क में जो काम कर रहे हैं उनका मीन पूछा गया है वो आपका ₹35 आ रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 52 है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15। मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन 15 है, ध्यान रखना। इफ द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम, अंडरलाइन करना फ्रॉम देम, मतलब उसमें से चार, ये चार अलग नहीं है। द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देम इज 12, ये जो चार ऑब्जर्वेशन है उसमें से, मतलब टोटल 10 है उसमें से चार ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन, तो ये पहला ग्रुप, उनका जो मीन दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है, 12 दिखाया गया है, तो एक्स बार वन 12। आगे क्या लिखा है, फाइंड आउट द मीन ऑफ रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशन, तो ये बाकी के जो 6 ऑब्जर्वेशन रह गए जो एन टू में कह रहा हूं उनका मीन क्या हो गया वो आपको फाइंड आउट करना है, एक्स बार टू फाइंड आउट करना है। तो आपको टोटल 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन दिया गया है उसे हम एक्स बार सी कह सकते हैं। तो इस तरह के पीछे सम है 53, 54, 55, 56 आराम से आप कर सकते हो। 56 सिर्फ अलग है, 56 मैं पढ़ रहा हूं 50 स्टूडेंट्स रुका पटे टेस्ट द रिजल्ट ऑफ हु पास्ट इज गिवन बिलो। 56 में एक इंफॉर्मेशन भी मिसिंग है तो आप सिर्फ 55 तक करना, 56 में आपको करवाऊंगा उसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि जो फेल्यूअर स्टूडेंट्स है उनका